सो फ्रेंड्स, एटलीस्ट हम यमुनोत्री पहुंचने वाले हैं। आपको मंदिर दिख रहा होगा सामने पे, हमारे जस्ट फ्रंट में मंदिर है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का टाइटल देख के आपको लग गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं यमुनोत्री और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो आप लोग देख सकते हैं बाहर का मौसम थोड़ा भी उजाला हो चुका है। और मैं सबसे पहले अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करा लूँ। तो ये वाले हैं राजीव राणा, जो कि एक ITBP के जवान है, बेसिकली आजकल छुट्टी आ रखे हैं। और दूसरे हैं सूरज रावत। हेलो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा पहला ब्लॉग है, आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए। हाँ फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक दूसरा दोस्त है लवित राणा। तो ये भी अभी रेडी हो चुका है, अभी हम देखते हैं सुबह होगी। चलो फिर अब अपना सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑल वेदर रोड का काम कितना अच्छा हो रखा है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आई थिंक कुछ साल बाद चार धाम यात्रा के लिए इस तरह की रोड आपको हर जगह देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचे हैं राड़ी टॉप, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अभी बड़कोट 18 किलोमीटर रह रखा है, आपको दिखा देता हूँ एक बार। अभी बड़कोट 18 किलोमीटर है, बड़कोट से हम यमुनोत्री के लिए दूसरा रूट कटेगा। तो हम अभी पहुंच चुके हैं हरसाली गांव और यहां से हमारा जो सफ़र है यमुनोत्री के लिए पैदल स्टार्ट हो गया है। तो हमारे दोस्त लोग भी, ये देख ले, ये राजीव जी कैमरामैन, हमारे कैमरामैन है, काफ़ी अच्छे कैमरामैन है। और यहां पे देखिए लवित को अपने आप में देखते हुए। तो ये देखिए आप यहां से नज़ारा। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपके सामने यमुनोत्री धाम की पार्किंग है, आप देख सकते हो। और यहीं से ही ट्रैक स्टार्ट हो जाता है यमुनोत्री धाम का। और आप लोग देख सकते हो श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के लिए निकलते हुए, आप ये फ्रंट में आप लोग देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, सामने आप देख सकते हैं, कुछ लोग जो बेचारे चल नहीं पाते हैं उनके लिए यहाँ पे घोड़े वगैरह भी अवेलेबल हो जाते हैं, घोड़े या खच्चर। साथ साथ में इसके अलावा कंडी वगैरह भी होती है जो लकड़ी की बनी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप ट्रैक को आसानी से देख सकते हैं, ये पूरा रास्ता जो है पूरा मंदिर के लिए जा रहा है और चलने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ नीचे यमुना नदी बह रही है और फिर ट्रैक भी काफ़ी लंबा है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमुना माँ सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन और श्री कृष्ण की प्रियाओं में से एक है और यमुना माँ को कालिंदी भी कहा जाता है। इसके अलावा यमुनोत्री को चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि ये भीड़ जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। पीछे भी आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5-10 हज़ार लोग तो होंगे। है अंकल, आपको क्या लगता है बहुत कितने हो जाएगी भीड़? लगभग 10,000, करीबन 10,000। अंकल का कहना है कि करीबन 10,000 तक तो हो ही जाएगी भीड़। सीजन का पहला ही दिन है, आज का पार्ट खोल रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि 6 बजे के हम घर से चले हुए लेकिन अभी तक हम मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए। सब सो फ्रेंड, एटलीस्ट हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम और पीछे आपको दिख रहा होगा यमुना माँ का मंदिर। ये देखिए, ये है यमुना रिवर और इसी के ही जस्ट बगल में है यमुना माँ का टेंपल। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं।
सो फ्रेंड्स, ये है प्राकृतिक गर्म कुंड जो कि सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु लोग इसमें चावल की पोटली बना के डालते हैं और कुछ ही मिनट बाद वो चावल पक जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरे पीछे जो मंदिर दिख रहा है, ये माता यमुना का शीतकालीन प्रवास है। जब क्या होता है कि जो कल जैसे कपाट खुले तो यहाँ से माता यमुना की जो मूर्ति है वो यमुनोत्री धाम में शिफ्ट की जाती है, और जब सीजन ख़त्म हो जाता है तो मूर्ति को यहीं पे लाके स्थापित किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, आपका यहाँ का व्यू कितना प्यारा नज़ारा है।